बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग शर्लॉक होम्स। ये एक पूरी सस्पेंस कहानी है और ये कहानी शुरू होती है सन 1890 से। ये इंग्लैंड का लंदन शहर है जहां पर ये दिखाया जाता है कि डिटेक्टिव शर्लॉक होम्स और उसका पार्टनर डॉक्टर जॉन वॉटसन एक मिशन पर निकले हैं और इस मिशन पर इन्हें एक लड़की की जान बचानी होती है। इस लड़की को वो आदमी जो अगवा करके लाए उसका नाम है लॉर्ड हेनरी ब्लैकवुड और वो इस लड़की को मारने वाला होता है कि तभी वहां पर शर्लॉक होम्स पहुंच जाता है, उसका हाथ पकड़ लेता है और उस लड़की की जान बचा लेता है। लॉर्ड हेनरी ब्लैकवुड इस लड़की को जादू टोना और शक्तियां हासिल करने के लिए मार रहा होता है। इससे पहले भी वो 5 लड़कियों को मार चुका है लेकिन अब वो शर्लॉक होम्स और पुलिस की गिरफ्त में है। उसे पुलिस पकड़ कर ले जाती है और जब वो जेल में होता है तो वो वहां पर एक पुलिस वाले के ऊपर जादू कर देता है जिससे वो तड़पना शुरू हो जाता है। और जब वहां पर दूसरा पुलिस वाला आता है वो उससे पूछता है कि ब्लैकवुड ये सब तुमने क्यों किया। वो बताता है क्योंकि मैं किसी से मिलना चाहता हूं। दरअसल ब्लैकवुड शर्लॉक होम्स से मिलना चाहता है और इसके बाद शर्लॉक होम्स को इस जगह पर बुलाया जाता है और वो देखता है कि चारों तरफ लोगों के दिलों में ब्लैकवुड का खौफ है क्योंकि वो एक जादूगर है, उसे काला जादू आता है, उसके अंदर शक्तियां हैं। लेकिन शर्लॉक होम्स इन सब चीजों को नहीं मानता क्योंकि वो एक साइंटिस्ट है, वो एक डिटेक्टिव है। और जब वो ब्लैकवुड से मिलता है तो वो कहता है कि काश मैंने तुम्हें पहले पकड़ा होता तो कम से कम 5 मासूम जिंदगियां तो बच जाती। ब्लैकवुड कहता है कि वो 5 बेकार की जिंदगियां थी जो एक महान मकसद के लिए काम आई, वो सब बलिया थी। लेकिन शर्लॉक होम्स उसकी बातों पर जरा सा भी ध्यान नहीं देता क्योंकि वो एक साइंटिस्ट है, वो ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करता। वो कहता है कि जब तुम्हें लटकाया जाएगा तुम्हारी जान चली जाएगी और तुम्हारे दिमाग को जब मैं खोल कर देखूंगा तो तुम भी एक महान मकसद के लिए काम आओगे। ब्लैकवुड कहता है कि तुम अपनी सोच को बढ़ाओ, तुम आने वाले समय की गंभीरता को समझ नहीं पा रहे। तुम और मैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं जो आने वाले समय में कुदरत का पूरा ढांचा ही बदल देगी। शर्लॉक होम्स वहां से जाने लगता है और ब्लैकवुड उसे पीछे से बोलता है कि 3 और मरेंगे और तुम उन्हें बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। और जब तक तुम्हें ये पता चलेगा कि ये सब तुमने मुमकिन किया है तुम अपने दिमाग से पागल हो चुके होंगे और तुम्हारे दिमाग में जो आखिरी थॉट होगा वो मैं होऊंगा। और इसके बाद वो दिन आता है जब ब्लैकवुड को फांसी होनी है। ब्लैकवुड से पूछा जाता है तुम कुछ कहना चाहते हो। ब्लैकवुड कहता है मौत तो सिर्फ शुरुआत है। और इसके बाद ब्लैकवुड को फांसी पर लटका दिया जाता है। शर्लॉक होम्स का दोस्त जो कि डॉक्टर है जिसका नाम जॉन वॉटसन है वो इस बात की पुष्टि करता है कि अब ब्लैकवुड नहीं रहा, वो मर चुका है। और इसी के साथ ये केस खत्म हो जाता है। अब शर्लॉक होम्स के पास एक लेडी आती है जिसका नाम एडलर है। शर्लॉक होम्स इसे जानता है और किसी जमाने में वो इसे पसंद भी करता था और ये इतनी शार्प होती है कि ये शर्लॉक होम्स को 2 बार मात दे चुकी होती है। वो शर्लॉक होम्स को एक केस देती है। वो कहती है कि ल्यूक रियोर्डन नाम का एक आदमी है, तुम्हें मेरे लिए उसे ढूंढना होगा। और उस आदमी की डिटेल्स देने के बाद वो वहां से चली जाती है। लेकिन होम्स उसका पीछा करता है और वो देखता है कि वो एक तांगा गाड़ी में बैठ जाती है जहां पर अंदर पहले से एक आदमी है और शर्लॉक होम्स जिसने पूरी तरह से अपना रूप बदला होता है वो उनकी तांगा गाड़ी से टकराता है और उन्हें कहता है कि मेरे पास एक रिवॉल्वर है, क्या आप खरीदना चाहोगी। लेकिन अंदर जो आदमी होता है वो उसे रिवॉल्वर दिखाता है और शर्लॉक होम्स वहां से निकल जाता है। होम्स अपने पार्टनर को बताता है कि एडलर जरूर किसी के लिए काम कर रही है और वो पूरी तरह से उसके कंट्रोल में है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। शर्लॉक होम्स ये बात इसलिए बोलता है क्योंकि एडलर को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है। अब ये दोनों जब यहाँ पर बैठे होते हैं तभी पुलिस का एक आदमी आता है और वो कहता है कि ब्लैकवुड शायद कब्र से उठ चुका है, आज उसे वहां के चौकीदार ने वहां पर चलते हुए देखा। शर्लॉक होम्स बोलता है कि ये बहुत ही दिलचस्प है। वॉटसन कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मैंने खुद उसे चेक किया था, वो मर चुका था। लेकिन पुलिस वाला उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहता है। वो कहता है कि अगर ये बात लोगों तक पहुंच गई तो उनके दिलों में दहशत हो जाएगी। और इसके बाद शर्लॉक होम्स और वॉटसन उस जगह पर जाते हैं और उस कब्र को बाहर निकाला जाता है जिसमें ब्लैकवुड की बॉडी थी। और जब उसे खोला जाता है तो उसके अंदर ब्लैकवुड की बॉडी नहीं होती बल्कि उसके अंदर एक दूसरी डेड बॉडी होती है। और यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब के सब अब दहशत में हैं, उनके दिलों में डर है, उन्हें यकीन हो चुका है कि ब्लैकवुड एक बहुत बड़ा जादूगर है, उसके पास असीम शक्तियां हैं। और जिस आदमी ने वहां पर ब्लैकवुड को देखा होता है वो कहता है मैंने उसे खुद चलते हुए देखा था
और जब मुर्दे जिंदा हो जाते हैं तो जिंदा लोग ताबूतों को भरते हैं। अब शेरलॉक होम्स और वॉटसन जब उस आदमी को ध्यान से देखते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि वही आदमी है जिसे ढूंढने का केस अभी थोड़े वक्त पहले एडलर ने इन्हें दिया था। अब ये दोनों यहाँ से निकलकर उस बौने का एड्रेस ढूंढना चाहते हैं। दरअसल शेरलॉक होम्स को उस बौने के ताबूत में एक घड़ी मिली थी और उस घड़ी की शॉप में जाने के बाद इन्हें उसका एड्रेस मिल जाता है। यहाँ पर वॉटसन को ये लगने लगता है कि ये जादुई शक्तियों का कुछ ना कुछ खेल है। वो होम्स को बोलता है कि भारत में एक आदमी था जिसने अपने मरने की भविष्यवाणी की थी और यहाँ तक कि उसने ये भी बता दिया था कि उसको कितनी गोलियां लगेंगी। होम्स कहता है कि हाँ, लेकिन मैं बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के, बिना डेटा हासिल किए किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच सकता। और अब ये दोनों उस आदमी के घर के अंदर पहुंच जाते हैं जिसकी डेड बॉडी उस ताबूत में थी, जिस ताबूत में ब्लैकवुड की बॉडी थी। इस घर में पहुंचने के बाद इन्हें ये पता चलता है कि ये आदमी ब्लैकवुड के साथ मिलकर कोई एक्सपेरिमेंट, कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कर रहा था जिसमें साइंस और जादू का मिश्रण था। यहाँ पर शेरलॉक होम्स को एक मरा हुआ मेंढक भी दिखता है जो तांबे के बर्तन के अंदर होता है और इसके साथ साथ इन्हें कई सारे सबूत दिखते हैं। अब जब ये इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते तभी यहाँ पर कुछ आदमी आ जाते हैं और इनके साथ एक बहुत ताकतवर आदमी होता है। दरअसल ये इस जगह को नष्ट करने के लिए आए होते हैं ताकि यहाँ पर कोई भी कुछ ढूंढ ना पाए। लेकिन अब शेरलॉक होम्स और उसका साथी वॉटसन जो उन्हें चाहिए था वो जानकारी यहाँ से कलेक्ट कर चुके हैं। ये आदमी इन पर हमला करते हैं और इनकी मुठभेड़ में यहाँ पर आसपास बहुत नुकसान भी होता है। एक पूरी की पूरी नाव पानी में डूब जाती है और जिसकी एवज में इन दोनों को जेल में बंद कर दिया जाता है। सुबह वॉटसन की जो फियांसी होती है जिसका नाम मैरी है वो उसे छुड़ा कर ले जाती है और शेरलॉक होम्स जेल में ही रह जाता है। लेकिन कुछ ही घंटों बाद उसकी भी जमानत हो जाती है और जो आदमी उसकी जमानत करवाता है वो उसे न्यूज़पेपर दिखाता है। न्यूज़पेपर में लिखा होता है ब्लैकवुड लिव्स एंड द डेविल वॉक्स विद हिम, यानी कि ब्लैकवुड जिंदा है और शैतान उसके साथ चलता है। न्यूज़पेपर में ये खबर छपने से चारों तरफ दहशत होती है और वो आदमी जो उसे न्यूज़पेपर दिखाता है वो कहता है कि कुछ ऊंचे औहदे वाले, कुछ ऊंचे पहुंच के लोगों ने तुम्हारी जमानत दी है और उन लोगों ने तुम्हें बुलाया है। ये शेरलॉक होम्स के मुंह को पूरी तरह से कपड़े से ढक देते हैं और उस जगह ले जाते हैं जहां पर वो लोग हैं। अब जब शेरलॉक होम्स के मुंह के ऊपर से कपड़ा हटाया जाता है तो उसके सामने एक आदमी बैठा होता है। वो कहता है कि तुम्हें ये सब बहुत ही रहस्यमय लग रहा होगा, तुम्हें लग रहा होगा कि तुम कहां पर हो और किसके सामने बैठे हो, लेकिन शेरलॉक होम्स बहुत ही शार्प है। हालांकि उसका मुंह पूरी तरह से कपड़े से ढका हुआ था लेकिन वो उस आदमी को पूरे रास्ते का ब्यौरा देता है। वो उसे बताता है कि वो उसे कहां से, किन रास्तों से यहां तक लेकर आए और ये नहीं, वो उसे ये भी बताता है कि वो इस वक्त कहां पर बैठा हुआ है और साथ ही में वो उस आदमी की अंगूठी देखकर उसे ये बताता है कि आप टेंपल ऑफ फोर ऑर्डर्स के हेड भी हैं और टेबल पर जो खत रखे होते हैं उन खतों को देखकर वो ये बताता है कि आपका नाम सर थॉमस रॉथरम है। और ये सब बताने के बाद शेरलॉक होम्स बोलता है कि रहस्य तो ये है कि आपने मेरी आंखों पर पट्टी क्यों बांधी। दरअसल ये लोग नहीं चाहते थे कि शेरलॉक होम्स को ये पता चले कि वो कहाँ है, किसके सामने बैठा है और क्यों बैठा है। लेकिन शेरलॉक होम्स का दिमाग इतना तेज होता है कि वो बिना बताए सब कुछ जान लेता है और वो ऐसा इसलिए कर पाता है कि वो अपने आसपास के वातावरण को बहुत जल्दी से रीड कर लेता है, इसीलिए उसे सब कुछ पता चल जाता है। ये लोग शेरलॉक होम्स को बोलते हैं कि हमारे सीक्रेट सिस्टम ने हमेशा दुनिया को बचाया है लेकिन उनका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है, जिसे कुछ लोग डार्क आर्ट या काला जादू भी कहते हैं। ये शेरलॉक होम्स को बताते हैं कि हमारे दिल में डर है। शेरलॉक होम्स बोलता है कि डर एक छूत की बीमारी है और साथ ही साथ वो ये बताता है कि ब्लैकवुड आपका बेटा है क्योंकि आपकी आंखें उससे मिलती हैं, आपके कानों में समानता है और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो वो उन्हें बताता है। सर थॉमस कहते हैं कि ये बात बहुत कम लोगों को पता है और हम इसे राजी रखना चाहते हैं। वो बताते हैं कि हमारे विधि विधान के दौरान वो कोख में आया लेकिन मैंने उसकी माँ से कभी शादी नहीं की थी और अब ब्लैकवुड हम सब के लिए खतरा है और उसने सिर्फ 5 लड़कियों को नहीं मारा बल्कि उसने कईयों को मारा है, लेकिन इस बात को कभी कोई साबित नहीं कर सकता। उसकी शक्तियां रोज बढ़ती है इसीलिए वो मरकर भी जिंदा हो गया और आगे जो वो करेगा वो और भी खतरनाक होगा। और ये शेरलॉक होम्स को एक किताब दिखाते हैं, कहते हैं कि इसी किताब में उसकी तंत्र की, उसकी शक्ति का रहस्य छुपा हुआ है
और वो एक फौज तैयार कर रहा है जिससे वो पूरी दुनिया को बदल देगा, और अब तुम्हें उसे रोकना होगा। हम पॉलिटिकली, फाइनेंशियली, हर तरह से तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हैं। शेरलॉक होम्स बोलता है कि मैं एक डिटेक्टिव हूँ, इसीलिए मैं अपने क्लाइंट्स को चुन सकता हूँ, और मैं ये काम आपके लिए नहीं करूंगा, ना ही पैसों के लिए करूंगा, लेकिन समझ लीजिए कि ये काम हो चुका है। और इसके बाद शेरलॉक होम्स वहां से चला जाता है। लेकिन अगले दिन ही सर थॉमस, जो कि ब्लैकवुड के पिता हैं और साथ ही साथ वो टेंपल ऑफ द फोर ऑर्डर्स के सीनियर यानी कि सबसे प्रमुख हैं, नहाते हुए उनकी बाथ टब में मृत्यु हो जाती है और उनकी बॉडी से उनकी अंगूठी भी गायब होती है। यहाँ पर शेरलॉक होम्स और पुलिस वाले आते हैं और शेरलॉक होम्स को वहां पर एक खुफिया कमरा मिलता है जहां से वो कुछ सामान उठाता है और निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ टेंपल ऑफ द फोर ऑर्डर्स के मेंबर्स की एक मीटिंग होती है। वहां पर एक आदमी आता है और वो कहता है कि मैं पंथ प्रमुख के लिए अब ब्लैकवुड का नाम नॉमिनेट करता हूँ। लेकिन यहाँ पर जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि तुम्हें पता भी है कि वो क्या कर सकता है। और तभी यहाँ पर ब्लैकवुड आ जाता है। उसे देखकर यहाँ पर जितने भी मेंबर्स होते हैं वो थोड़ा सा सहम जाते हैं, क्योंकि इन सब को पता है कि ब्लैकवुड के पास जादुई शक्तियां हैं। ब्लैकवुड कहता है कि मेरी सारी शक्तियां और मेरे सारे गुण सिर्फ एक ही मकसद के लिए, और वो मकसद है एक नई दुनिया बनाना, एक नया भविष्य बनाना जिस पर हम सब हुकूमत कर सकें। वो ये भी कहता है कि अभी अमेरिका में सिविल वॉर चल रहा है, वहां पर हम दोबारा से अपनी बस्तियां बसा सकते हैं, यानी कि उसे अपने कब्जे में ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक आदमी होता है जिसका नाम स्टैंडिश होता है, वो उसके पूरी तरह से खिलाफ है। वो अपनी गन निकाल लेता है, वो कहता है कि किसी को तो ये काम करना होगा, और वो ब्लैकवुड पर गोली चलाता है। लेकिन उस गोली से उसके पूरे शरीर में आग लग जाती है, वो जलकर मर जाता है। और यहाँ पर जितने भी मेंबर्स होते हैं ये सब देखकर डर जाते हैं। ब्लैकवुड कहता है कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर सब सुरक्षित है, और अब सब मुझे अपना सहयोग दें। और इसके बाद ब्लैकवुड को इस कमेटी का प्रमुख बना दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ शेरलॉक होम्स को ये पता चलता है कि नदी किनारे कोई फैक्ट्री है जिससे वो सीधा ब्लैकवुड तक पहुंच सकते हैं, और शेरलॉक होम्स और वॉटसन उस जगह पर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद इन्हें ये पता चलता है कि यहाँ पर कोई साइंस का एक्सपेरिमेंट हो रहा था और यहाँ से कोई मशीन अभी अभी हटाई गई है। अब ये वहां दीवार पर देखते हैं कि 1:18 लिखा होता है, यानी कि अध्याय 1:18, ये एक बाइबल का वर्स है। होम्स बोलता है कि इस वर्स में लिखा है कि मैं मर गया था, और तभी ब्लैकवुड की आवाज आती है, और अब मैं युगों युगों तक जिंदा रहूंगा। वो तुम्हारा पीछा करते हुए आई, तुमने अपना मेमना यहाँ पर कटने के लिए भेजा। और तभी वो देखते हैं कि सामने एडलर होती है। एडलर वही लड़की होती है जो होम्स के घर पर आकर उसे उस आदमी को ढूंढने का केस दिया था, जिस आदमी की डेड बॉडी ब्लैकवुड की कब्र में मिली थी। और होम्स इस लड़की से किसी जमाने में प्यार करता था, वो आज भी इसे पसंद करता है। और होम्स और वॉटसन दोनों मिलकर एडलर को बचा लेते हैं और ब्लैकवुड वहां से निकल जाता है। तभी यहाँ पर ब्लास्ट होना शुरू होते हैं, लेकिन इस ब्लास्ट में ये तीनों बच जाते हैं। यहाँ पर एक पुलिस वाला आता है और वो होम्स को बोलता है कि वॉटसन बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुम यहाँ से चले जाओ क्योंकि तुम्हारे खिलाफ वारंट निकल चुका है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ब्लैकवुड के पास अब एक औहदा है और वो पुलिस को कंट्रोल कर सकता है। यहाँ से शेरलॉक होम्स, वॉटसन और एडलर तीनों के तीनों अलग अलग भाग जाते हैं। एडलर इस शहर से जाना चाहती है, और जब वो ट्रेन में होती है तो वहां पर वो आदमी आता है जिसके लिए एडलर काम करती है। एडलर कहती है कि मैंने अपना काम कर दिया, जिस आदमी को आप ढूंढ रहे थे वो मुर्दा घर में है। वो आदमी कहता है कि तुमने अपना काम अच्छे से नहीं किया, मुझे उस आदमी का वो काम चाहिए जो वो ब्लैकवुड के लिए कर रहा था, और अगर तुमने इस काम को पूरा नहीं किया तो अगली लाश होगी शेरलॉक होम्स की। और इसके बाद एडलर को वापस शेरलॉक होम्स के पास आना पड़ता है। अभी तक यहाँ पर जितनी भी घटनाएं हुई है उसके आधार पर शेरलॉक होम्स एक थ्योरी बताता है। वो कहता है कि ये सितारा देखो, इसके 5 कोने हैं, जिसके आधार पर 5 लड़कियों का कत्ल हुआ जो कि ब्लैकवुड ने किया। और जैसा कि ब्लैकवुड ने मुझे धमकी दी थी कि 3 और लोग मरेंगे, उसने मारा। और हर एक कत्ल का संबंध टेंपल ऑफ फोर ऑर्डर से था। जो सबसे पहले हमें डेड बॉडी मिली वो मिली थी हमें उस कब्र के अंदर जिसके अंदर खुद ब्लैकवुड था, और ये कब्र थी जिंजर मिडजेट पे, जिसका संबंध सीधा इंसान से है। दूसरी डेड बॉडी मिली हमें सर थॉमस की, वो बैल की अंगूठी पहनते थे, वो इस टेंपल के मालिक थे।
और तीसरी मौत, तीसरी डेड बॉडी हमें वहां पर मिली जहां पर ईगल का राष्ट्र चिन्ह था। वो आदमी जो ब्लैकवुड को गोली मार रहा था और खुद उसके शरीर पर आग लग गई थी, और इस तरह से इन तीन लोगों की हत्या हुई। और इन तीनों हत्याओं का संबंध था जादू टोने से। सबसे पहले इंसान को इंसान की तरह मारा गया, दूसरे इंसान को इसलिए मारा गया क्योंकि उसके हाथ पर बैल की अंगूठी थी जो रिप्रेजेंट करता है बैल को, और तीसरे इंसान को वहां पर मारा गया जहां पर ईगल का निशान था जो रिप्रेजेंट करता है एक ईगल को। और इस तरह से क्रॉस के तीन हिस्से पूरे होते हैं, और अब वक्त है फाइनल एक्ट का, यानी क्रॉस के चौथे हिस्से का, और ये रिप्रेजेंट करता है एक शेर को। और जब वो उसके हिसाब से नक्शे पर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि अगला जो हमला होगा वो पार्लियामेंट पर होगा, लेकिन इन्हें अभी भी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता होती। तभी यहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं। शेरलॉक होम्स अपने आप को गिरफ्तार करवा लेता है और वॉटसन और एडलर वहां से भाग जाते हैं। शेरलॉक होम्स को एक पुलिस के बड़े अधिकारी के पास ले जाया जाता है जो कि पूरी तरह से ब्लैकवुड के साथ मिला हुआ है, और अब ये शेरलॉक होम्स को मारना चाहता है। शेरलॉक होम्स उसके जूतों पे लगे हुए कीचड़, उसके पैंट पर लगी हुई लाल मिट्टी, उसके हाथ पर जो एक कट का निशान होता है, और उसके शरीर से जो दुर्गंध आ रही होती है, इससे पहचान जाता है कि पार्लियामेंट के नीचे जो बहुत बड़ा गंदा नाला है वहां पर ये अपने फाइनल एक्ट यानी अपने चौथे चरण की पूरी तैयारी कर चुके हैं। और आज पार्लियामेंट में दोनों सदन मिल रहे होते हैं, यानी कि आज इंग्लैंड की पूरी गवर्नमेंट पार्लियामेंट हाउस में होगी। शेरलॉक होम्स इस जगह से भाग जाता है और बाहर वॉटसन और एडलर उसका इंतजार कर रहे होते हैं, और ये तीनों अब उस जगह पर पहुंच जाते हैं जो पार्लियामेंट के नीचे है, और वहां जाकर ये देखते हैं कि वहां पर एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंटल मशीन होता है। शेरलॉक होम्स बोलता है कि देखो, ब्लैकवुड का जादू जाहिर हो गया है, ये एक बहुत बड़ा केमिकल वेपन है। और शेरलॉक होम्स समझ जाता है कि वो आदमी जिसकी डेड बॉडी ब्लैकवुड की कब्र में मिली थी, जो कि एक साइंटिस्ट था, वो किस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। और ये एक ऐसा वेपन होता है जो युद्ध कला में पूरी तरह से क्रांति ले आएगा, क्योंकि इससे पहले ऐसा वेपन कभी भी नहीं बना होता। ये यहाँ बेसमेंट में सभी लोगों को मार देते हैं। शेरलॉक होम्स बोलता है कि ये एक केमिकल वेपन है जो कि लिक्विड को एक धुएं में बदल देगा, और धुआं पाइप से होता हुआ ऊपर पार्लियामेंट में जाएगा जहां पर इस दुनिया के सबसे ताकतवर लोग हैं, और वो सब दम घुटने से इस जहरीले धुएं से मर जाएंगे, और जरूर ब्लैकवुड के हाथ में कोई रिमोट कंट्रोल होगा जिससे वो इसे एक्टिवेट कर सकता है। और ऊपर पार्लियामेंट में ये दिखाया जाता है कि ब्लैकवुड वहां पर अपने काले जादू की शक्ति से लोगों को डरा रहा होता है। वो कहता है कि अब इंग्लैंड में एक नए संसार का उदय होगा, हम पूरी दुनिया पे राज करेंगे, लेकिन पार्लियामेंट के मेंबर्स उसके साथ नहीं होते, उसके खिलाफ होते हैं। और ब्लैकवुड के हाथ में पीछे वो रिमोट कंट्रोल होता है जिससे वो उस मशीन को एक्टिवेट कर देता है जो नीचे बेसमेंट में है। लेकिन इससे पहले जो जहरीला लिक्विड है जो एक्सपेरिमेंट करके बनाया गया है वो धुआं बन के ऊपर पार्लियामेंट तक पहुंच पाता। एडलर उसे निकालकर उस सिलेंडर को लेकर वहां से भाग जाती है। होम्स एक आदमी से लड़ रहा होता है, वो वॉटसन को बोलता है कि तुम इसे संभालो, और वो एडलर के पीछे जाता है। शेरलॉक होम्स एडलर तक पहुंच जाता है। वो कहते हैं कि मैं अब और भागना नहीं चाहती, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूंगी। लेकिन तभी वहां पर ब्लैकवुड आ जाता है, वो उससे उस सिलेंडर को छीन लेता है और एडलर को नीचे धक्का दे देता है। इसके बाद शेरलॉक होम्स और ब्लैकवुड के बीच में लड़ाई होती है, लेकिन इस लड़ाई में ब्लैकवुड की हार और शेरलॉक होम्स की जीत होती है। ब्लैकवुड का पैर एक रस्सी में फंसा हुआ होता है, और उस रस्सी के दूसरे छोर पर एक लोहे का बहुत बड़ा टुकड़ा बंधा हुआ होता है जो उसे नीचे की तरफ खींच रहा होता है, लेकिन वो एक लकड़ी के टुकड़े को पकड़ लेता है। शेरलॉक होम्स बोलता है कि कभी कोई जादू नहीं था, सिर्फ चालबाजी थी। सबसे पहले वो जेल का गार्ड जिसने ये ड्रामा किया कि उसके ऊपर जादू का असर हुआ है, दरअसल तुमने उसे पैसे दिए थे, और जिस कब्र से तुम बाहर निकले तुमने उसे पहले से तोड़ा हुआ था, और उसके बाद तुमने गोंद से उसे वापस जोड़ दिया, और जो तुमने अपने पिता को मारने के लिए तरकीब निकाली वो बहुत ही उम्दा थी। तुमने अपने पिता के बाथटब में एक ऐसा केमिकल डाल दिया जो तांबे के साथ मिलने से एक ऐसा केमिकल बन जाता है जिससे उस आदमी को लकवा लग जाता है जो उस पानी के संपर्क में होता है। ये बात मुझे कभी पता न चलती अगर मैं उस आदमी की लैब में न गया होता जिस आदमी की डेड बॉडी तुम्हारी कब्र में मिली थी। दरअसल उसने ये एक्सपेरिमेंट पहले एक मेंढक पर किया था जो मरा
मरा हुआ मुझे उसकी लैब में मिला, और तीसरा वो आदमी जो तुम्हें गोली मार रहा था और उसके शरीर में आग लग गई। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी मिस्ट्री थी, लेकिन जब तुमने उसी केमिकल को मारने के लिए वॉटसन के ऊपर हमला किया, हम सब के ऊपर हमला किया, तो ये गुत्थी भी सुलझ गई। जब वो आदमी टेम्पल में दाखिल हो रहा था तो तुमने उसके ऊपर इस केमिकल का छिड़काव किया, उसे लगा था कि ये बारिश है, और तुमने उसकी गन के साथ थोड़ी सी छेड़खानी की जिससे उसने जब गोली चलाई तो उसके अपने ही शरीर में आग लग गई, और तुमने अपना सबसे बड़ा खेल आज के लिए बचा रखा था। तुम उस केमिकल वेपन का इस्तेमाल करके पार्लियामेंट में सभी लोगों को मार देते, सिर्फ तुम्हारे लोग बचते, क्योंकि तुमने उन्हें पहले से एंटीडोट दिया था जिसके बारे में उन्हें बिल्कुल खबर तक नहीं थी, और उन्हें ऐसा लगता कि ये सब तुम्हारी शक्तियों से, तुम्हारे जादू टोने से हो रहा है, और अगर ये हो जाता तो दुनिया तुम्हारे खौफ से तुम्हारे पीछे चलती। लेकिन अब तुम्हारा पर्दाफाश हो चुका है, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है, और इस बार तुम्हें सही से फांसी लगेगी, दुनिया देखेगी तुम्हारी मौत का नजारा। शर्लोक होम्स उस रस्सी को काट देता है जो उसे नीचे की तरफ खींच रही होती है, और इससे पहले कि वो दोबारा से शर्लोक होम्स के ऊपर हमला करता, ऊपर से एक बहुत बड़ा लोहे का टुकड़ा गिरता है और वो नीचे जंजीरों में फंस जाता है, और उन जंजीरों में फंस कर उसको फांसी लग जाती है, और इस तरह से ब्लैकवुड का अंत हो जाता है। इसके बाद शर्लोक होम्स नीचे जाता है जहां पर एडलर होती है। एडलर जिंदा है, वो ठीक ठाक है। एडलर उसे बताते हैं कि मोरियार्टी, वो एक प्रोफेसर है, हर एक इंसान की कुछ ना कुछ कमजोरी होती है, और वो मेरी कमजोरी जानता है, इसीलिए मुझे उसके लिए काम करना पड़ा, और तुम कभी भी उसे नजरअंदाज या अंडरएस्टिमेट मत करना, वो तुम्हारी तरह ब्रिलियंट है। शर्लोक होम्स उससे उसकी कमजोरी पूछने की कोशिश करता है, लेकिन वो इस बात का जवाब नहीं देती, और शर्लोक होम्स वहां से चला जाता है। और जब वॉटसन अपनी मंगेतर के साथ उस जगह पर आता है जहां पर शर्लोक होम्स है, तो ये दोनों देखते हैं कि उसने फांसी लगाई हुई है। वॉटसन कहता है कि ये आदमी कभी भी फांसी नहीं लगा सकता, क्योंकि ये अपनी जिंदगी से बहुत प्यार करता है। दरअसल शर्लोक होम्स उस तरीके को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है जिस तरीके से ब्लैकवुड को फांसी लगने के बाद भी वो जिंदा बच गया, हालांकि वॉटसन ने उसकी पुष्टि की थी कि वो मर चुका है, जबकि वॉटसन एक डॉक्टर है, वो झूठ नहीं बोल सकता। और शर्लोक होम्स वॉटसन को बताता है कि जिसने उसे फांसी दी थी उसने उसके फांसी के फंदे पर एक हुक जोड़ दिया था, और जिसकी वजह से उसकी बॉडी का वजन उसके गले पर ना आकर उसकी कमर पर आ गया, और तुम्हें ऐसा इसलिए लगा कि ब्लैकवुड मर चुका है क्योंकि उसने एक पॉइजन लिया था जिससे शरीर को लगभग लकवा ही लग जाता है, और ऐसा लगता है कि वो इंसान जिसने ये जहर लिया है वो मर चुका है, लेकिन वो जिंदा होता है। तभी वहां पर एक पुलिस वाला आता है और वो कहता है कि उस जगह पर जहां पर मशीन थी वहां पर हमारा एक आदमी मारा गया, और जब वो उस आदमी का ब्यौरा देता है तो शर्लोक होम्स समझ जाता है कि ये काम उस आदमी का है जिसने एडलर को अपने वश में करके उस मशीन का हिस्सा चुराया था, और वो ये भी समझ जाता है कि एडलर सिर्फ एक मोहरा थी, जिस हिस्से को लेकर एडलर भाग रही थी वो उस आदमी की जरूरत नहीं था, उस आदमी को पता था कि मैं एडलर का पीछा करूंगा, और जब मैंने ऐसा किया वो आदमी उस जगह पर आया और उस मशीन के उस हिस्से को लेकर चला गया जो उसकी जरूरत थी, और ये हिस्सा था इन्फेंट साइंस ऑफ रेडियो, यानी किसी भी यंत्र को बिना वायर के कंट्रोल करना। ये उस जमाने की बात है जब रिमोट कंट्रोल और ये सब नहीं बने थे, और अब वो टेक्नोलॉजी जो कि बहुत ही बहुमूल्य है वो प्रोफेसर मोरियार्टी के पास है, जिसे शर्लोक होम्स नहीं जानता। शर्लोक होम्स कहता है कि केस रीओपन, और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म सन 2009 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म का बजट था 90 मिलियन डॉलर्स और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी 224 मिलियन डॉलर्स की। आईएमडीबी पर इस फिल्म की रेटिंग है 7.6। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।